बजाय चार या दो दो की तीन टीमें एक साथ खेल सकती है। पेटेंट विभाग की ओर से पेटेंट कराने का प्रमाण पत्र वो पा चुके हैं। इस सर्कुलर चेस की खोज हृदयेश्वर की दोस्तों का ध्यान रखने और भाईचारे के जज्बे के कारण ही हो सका है। डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित 9.5 वर्षीय हृदयेश्वर भाटी के साथ खेलते इन बच्चों को देखते हुए शायद आपके जहन में यह ख्याल आए कि व्हील चेयर पर रहने के कारण दोस्त बनाना उसकी मजबूरी हो, लेकिन उसके मन में हमेशा दोस्तों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इतना जबरदस्त है कि इसने एक आविष्कार को जन्म दे दिया। एक साथ दो व्यक्तियों के खेलने पर उसके अन्य दो तीन दोस्तों के महज दर्शक बने रहने की पीड़ा उसे इतनी सारी कि उसने ऐसा शतरंज विकसित कर दिया जिसमें तीन ही नहीं एक साथ दो दो की तीन टीमें तीन जनों की दो टीमें खेल सकती है। इस जुनून ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वह सर्कुलर चेस बनाने वाला सबसे कम उम्र का आविष्कारक बन गया। मैंने बोला कि चेस दो दो प्लेयर का ही होता है, तो मैंने बोला आप 6 प्लेयर का बना दो, तो अपने बोला कि 6 साइड का तो पॉलीगन हो ही नहीं सकता, तो मैंने बोला कि सर्कल पे ट्राई करो। 2010 में जब हृदयेश्वर ने अपना मासूम सा वाजिब सवाल गणित के विशेषज्ञ उसके पिता सरोवर सिंह भाटी के सामने रखा तो पारंपरिक चेस के आकार के बजाय गोलाकार में बनाने की कोशिश की गई। सैकड़ों कोशिश करने के बाद आखिरकार एक डिजाइन हृदयेश्वर को पसंद आया क्योंकि ऐसे चेस में उसके सारे दोस्त खेल सकते थे। 26 जुलाई 2011 को इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया। इसके लिए उन्होंने अपना अटॉर्नी रखा। कोलकाता के पेटेंट ऑफिस से 2 माह पूर्व उसकी प्रोविजनल स्वीकृति मिली और इसकी अंततः स्वीकृति 28 मार्च को मिली। इसको कई डिजाइन्स करके बोल देता था, ये उसमें चेंजेस करता था, ऐसे कई चेंजेस करे उसके बाद करीब ये मान लो 6 महीने तक करीब इसने 198 डिजाइन रिजेक्ट किए होंगे। 199 डिजाइन जब उसके सामने थी तो उस डिजाइन में भी एक प्रॉब्लम थी, तब उसने पहली बार रेड जोन्स बनाई, तो रेड जोन्स नॉन प्लेइंग जोन्स थी। इस तरह से ये फाइनल होके फिर इसे भेजा। हृदयेश्वर की माँ ने उसका मनोबल बढ़ाया और पिता उसके साथ पूरी तरह से जुट गए। इसके बावजूद जब पेटेंट आ गया तो ध्यान से देखने पर हृदयेश्वर को यह कमी नजर आई कि चेस में जो सीधी लाइन है वह एक ही रंग की है और घर में अलग अलग रंग के प्यादे वाली टीम को पता नहीं चलता कि चक्र से कैसे निकलना है। इस कमी को हृदयेश्वर अपने अगले प्रोजेक्ट में दूर करेगा। और आगे क्या प्लान है, क्या बनाओगे? क्या 60 प्लेयर्स का चेस, उसमें क्या होगा? उसको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा सर्कल जैसा। इसमें कुछ रह गई है उसको दूर करोगे? तो डिस्कवरी पर भी जैसे स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह ये प्रोग्राम्स देखते रहता है, उसको लगता है कि जैसे वो व्हील चेयर पे बैठ के भी इतना कुछ करवाया, तो इसको चेस भी अपने फादर के साथ खेलता था, तो जब इसके बच्चे ज्यादा हुए तो इसको लगा कि दो क्यों खेलें, 6-7 साथ में खेलने तो बढ़िया है। पारंपरिक चेस में 8 ऊपर और 8 प्यादे नीचे लगते हैं। इसी पैटर्न को 4 जनों के लिए अलग अलग खाने में लूडो की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें हर 8 खाने के बाद एक लाल गोला बनाया गया है जहां आने पर प्यादा मात नहीं खा सकता क्योंकि कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। इसके अभाव में पहली ही चाल में हाथी से हाथी पिट सकता था। बहरहाल मांसपेशियों के क्षरण की बीमारी से जूझ रहा यह नन्हा आविष्कारक स्टीफन हॉकिंग से प्रेरणा लेता है और उन्हीं की तरह सफल वैज्ञानिक बनना चाहता है, लेकिन इसमें इसकी बीमारी कब तक आड़े नहीं आएगी फिलहाल यह कहना मुश्किल है। पर ऐसा नहीं हो इसी की दुआ हृदयेश्वर के अभिभावक के साथ उसके चाहने वाले करने लगे हैं। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट।